हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। हम सीख रहे हैं यहाँ पर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, मैथ्स 1 का पहला चैप्टर, जिसके अंदर लास्ट दो लेक्चर आपने देखे जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको पूरे चैप्टर का बताया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूँ 11th स्टैंडर्ड का जो मोस्ट ऑफ सिलेबस है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, और पहला चैप्टर अभी मैंने स्टार्ट किया, इसके आगे के चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस साल जो 12th का नया सिलेबस आया है वो भी पूरा मैंने जो है मैक्सिमम रिकॉर्ड करके कंप्लीट कर दिया है, वो भी आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत फायदा होने वाला है। चलो मेरे साथ सीखो, आगे देखते हैं 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन, यानी जो एंगल्स है उसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे यहाँ पर 2 के बाद 3, कि जो एंगल होगा उसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये क्या था, डिग्री टू रेडियन। बेसिक कंसेप्ट में मैंने थोड़ा बताया था, आओ अब इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 85 डिग्री, ये डिग्री दिया है और कहा गया कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। बेसिक में मैंने आपको बताया था कि जो एंगल्स होते हैं उसको दो टाइप से मेजर करते हैं, एक तो डिग्री सिस्टम जो आप बचपन से करते चले आए हो, और अभी 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आपको जो एंगल्स है उसको रेडियन में मेजर करना है। तो 85 डिग्री, देखो 1 डिग्री को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 डिग्री जो है उतने रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 85 डिग्री है, इसको रेडियन करने के लिए क्या करो, 85 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 85 डिग्री को 85 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो रेडियन में आ जाएगा। कैंसिल होगा क्या, यस, 5 3 15, 5 6 30, 5 1 5 और 5 7 35, तो 17 पाई अपॉन 36 इतना रेडियन आया। फाइनली आप ऐसे लिखोगे 85 डिग्री इज इक्वल टू 17 पाई अपॉन 36 रेडियन, और इस तरह से फाइनल आंसर को आपको बॉक्स में रखना है। फाइनल आंसर को ऐसे लिखेंगे, 1 डिग्री हमेशा पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, ये याद रखो। अभी इसके अंदर और भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। 250 डिग्री है, सो 250 डिग्री सिमिलरली जैसे ये फर्स्ट किया उसी तरह से सेकेंड कर दें, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या, सीधी सी बात है, ये डिग्री दिया है, इस डिग्री रेडियन करना है, डिग्री को रेडियन करने के लिए पाई ऊपर 180 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, बस जीरो से जीरो कट हो गया। ये कट होता है क्या किसी से, 18 और 25 5 से 5 जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा, सो जो नहीं कट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से रख दो 18 और रेडियन, ये क्या है 250, यहाँ लिख दो 250 डिग्री, बॉक्स बना दो, बस ऐसे करना है। बहुत ही आसान है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। आओ चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, -132 डिग्री, ओके, बिल्कुल इसी तरह से रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, -132 तो है, रेडियन करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप करते हो ना तो ये रेडियन में हो जाता है, यहाँ पर ऊपर लिख भी सकते हो, पिछले दो क्वेश्चन में भी आप लिखना रेडियन। चलो करके देखते, इसको कैंसिल करो, कैसे कैंसिल होगा, तो अगर 2 से करें तो 2 9 और 0, 2 6 12 और अगर इसको 6 से कर सकते थे, 6 × 11 = 66, 6 1 = 6, 6 5 = 30, सो 11 पाई अपॉन 15 रेडियन आया। क्या है, -132 डिग्री, ये माइनस था तो यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस लिखना है, यहाँ पर बॉक्स कर दो, हो चुका है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आगे जो क्वेश्चन है वो डिग्री और मिनट और सेकंड है, वो क्या है उसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ आगे का। देखो बच्चों, जब कोई एंगल होता है 1 डिग्री का तो उसको और शॉर्ट में हम कर सकते हैं, जैसे कि 1 रुपीस होता है, 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होता है, आपको पता ही है। 1 किलोग्राम होगा तो उसमें 1000 ग्राम होता है। उसी तरह से जो 1 डिग्री का एंगल होता है, ये सपोज ये 1 डिग्री एंगल है सपोज, तो इस 1 डिग्री के एंगल को भी हम छोटे छोटे और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ओके, ये डैश का मतलब मिनट, ओके, जो होता है ना घड़ी के अंदर आर मिनट सेकेंड इस तरह से। तो 1 डिग्री को ऐसा समझ सकते हो कि एक घंटा जैसा होता है ना वैसे 1 डिग्री, ओके, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और ये जो 60 मिनट्स के अंदर 1 मिनट होगा उसके अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, ये सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू
60 सेकेंड्स, डबल डैश का मतलब सेकेंड है, डबल डैश मतलब सेकेंड, और सिंगल डैश मतलब मिनट, तो वन डैश देखो ये वन है, डैश मतलब मिनट, वन मिनट इज इक्वल टू 60, डबल डैश मतलब सेकेंड्स, वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये याद रखना है आपको, और वन डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब यहाँ पर समझो कि उल्टा करना है कि वन मिनट में कितने डिग्री, तो ये 60 यहाँ आ जाएगा 1/60 degree, ओके, वन मिनट में 1/60 degree, मतलब आपको जब भी मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा 60 से डिवाइड करना, ओके, अगर डिग्री को मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना, ओके, वैसे ही अगर वन मिनट के अंदर 60 सेकेंड है तो 1 सेकेंड के अंदर कितना मिनट, तो आप क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे, तो ये 1 सेकेंड के अंदर इतना मिनट, ओके, उल्टा करना है तो 60 से डिवाइड करना, सीधा करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, डिग्री से मिनट निकालना है 60 से मल्टीप्लाई करो, बट मिनट से डिग्री करना है तो 60 से डिवाइड करो, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर फोर्थ फिफ्थ सब इसके ऊपर बेस्ड है। जो अगला क्वेश्चन है वो है फोर्थ सेकेंड में, 65 degree and 30 minutes इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन, तो रेडियन करने के लिए पूरा का पूरा डिग्री में रखना चाहिए, ये मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, देखो 65 degree प्लस करना 30 मिनट, 30 मिनट को डिग्री कैसे करेंगे, देखो 1 degree में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट को अगर डिग्री करना है तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 मिनट या 30 मिनट्स को अगर मुझे डिग्री में करना है तो मैं 60 से डिवाइड करूँगा, जिससे क्या होगा ये मिनट में बदल जाएगा, 0 से 0 कट हुआ, 3 1 3 3 2 6, यानी क्या आ गया 65 degree प्लस 1/2, अच्छा ये डिग्री है, हाँ मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, सो ये 65 degree और आधा डिग्री, देखो यहाँ पर देखो 1 degree में 60 मिनट्स है तो 30 मिनट्स का आधा डिग्री होगा ना, 1 degree 60 मिनट्स में 1 degree होता है तो 30 मिनट्स में आधा डिग्री होगा, आधा डिग्री आ गया 1/2 मतलब हाफ, अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो 65 प्लस हाफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर प्लस करना है, नहीं नहीं ये 65 प्लस हाफ, हाँ चलो 65 2 जा तो 131 upon 2 आया, इतना डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया। अब इसको रेडियन करना है, तो रेडियन करने का तरीका वही पुराना वाला, क्या था तरीका कि 1 degree को रेडियन पाई अपन 180, तो हमेशा पाई अपन 180 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ओके, सो यहाँ पर ये हो जाएगा रेडियन, ओके, सी लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो ये 131 upon 2 into 180 360, और यहाँ पर क्या आ गया पाई, और ये ऐसे हो गया रेडियन, और ये आया 65 degree 30 minutes, अब बॉक्स कर दो, तो ये हो गया क्वेश्चन का सोल्यूशन सेकेंड में फोर्थ, इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। अगला जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है फोर्थ के जैसा ही फिफ्थ, 75 degree and 30 minutes दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 75 degree 30 minutes, देखो मिनट्स को डिग्री करने के लिए 60 से डिवाइड करना, इसको आप 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करोगे ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, सो 75 degree, 30 से 60 कट हुआ 1/2, सो 1/2 यहाँ प्लस लिख सकते हो अलग से डिग्री, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 75 2 जा 150, और 151/2 इतनी डिग्री आ गई, बट हमें तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो 151/2 रेडियन करने के लिए ये फॉर्मूला, डिग्री को क्या है पाई अपन 180, याद कर लो पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई, जब भी रेडियन करना होगा पाई ऊपर रखो, और डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 ऊपर पाई नीचे, अब यहाँ पर ये 151 कटेगा नहीं, तो सीधा 151 pi/2 into 180 360, और ये क्या आया, ये यहाँ पर आपको इस तरह से रेडियन लिखना चाहिए, सी का मतलब रेडियन, क्वेश्चन क्या था यहाँ लिख दो 75 degree 30 minutes, ओके ये हो गया, तो इस तरह से करना है, ये सेकेंड में फिफ्थ हो गया। और एक क्वेश्चन सिक्स्थ है वो भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान अगला कंसेप्ट सेकंड में सिक्स, बट थोड़ा अलग है, 48 मिनट, इसके पहले 30 मिनट था, तो क्या करोगे 48 मिनट है तो उसको डिग्री करने के लिए क्या करोगे, प्लस करके 48 को 60 से डिवाइड करना, तो ये डिग्री हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 40 degree प्लस, अब ये कैंसिल होगा क्या, यस 2 से भी कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो 12 के टेबल में आता है, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, सो 4/5 degree आ चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों डिग्री है, 40 और 5 मल्टीप्लाई किया तो 200 प्लस 4 204 अपॉन 5 इतनी डिग्री
आ गई। ओके अब क्या होगा, इसको रेडियन करना है, 204/5 रेडियन करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो इसको ब्रैकेट करके यहाँ रेडियन लिख दो। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या, यस हो जाएगा। देखो ये 2 से हो रहा है, 2 1 2 इस तरह से, ये 2 9 है, फिर 2 से होगा 51 आएगा, फिर ये 2 से होगा 45 आएगा, ये 3 से होगा, देखो 3 1 3 और 3 7 21 3 1 3 5 17/15 देखो 17 pi, और ये 5 × 15 करोगे तो 75 इतना रेडियन। क्या है ये, 40 degree 48 minutes। तो फाइनल आंसर को बॉक्स कर दो। देखा कितना आसानी से हमने कर लिया ये, बिल्कुल अगर जब भी मिनट होगा तो उसको 60 से डिवाइड करो, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटली डिग्री में करो, मिनट्स को हटा दो, और उसके बाद आप क्या करोगे, पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करके कैंसलेशन वगैरह करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के अंदर 6 सब क्वेश्चन थे, सबको क्या करना था, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन, सबको रेडियन करना था। रेडियन करने का एक ही तरीका, जो डिग्री में दिया है उसको पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये हो गया होगा तो इसको कॉपी कर लो, और अभी मैं आगे थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो सब क्वेश्चन से मैंने लिए, रेडियन में दिया हुआ डिग्री में कन्वर्ट करना, क्या ट्रिक है मैंने आपको बताया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना, तो डिग्री में एंगल कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखो जब भी रेडियन से डिग्री करना है तो पाई नीचे रहेगा, और जब मतलब डिग्री में करना है तो पाई नीचे रखो, और रेडियन करना है तो पाई ऊपर रखो। तो पहले वाले क्वेश्चन में ये 180 अपॉन पाई का पाई ऊपर था, पाई अपॉन 180, अब हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई को नीचे रखना होगा। चलो कैसे करेंगे, देखो 7π/12 है, तो इसको रेडियन को डिग्री करना है तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई नीचे रखना, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई से पाई हो गया कैंसिल, 12 1 12 12 1 12 12 5 60, तो आ गया 7 × 15 कितना होता है, देखो 15 6 90 15 7 105 degree। तो ये पहला आ गया, आप फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे 7π/12 रेडियन इज इक्वल टू 105 degree, और बॉक्स कर दो। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, क्या है देखो, -5π/3 रेडियन। सीधे सीधे क्या करो, -5π/3 इसमें 180/π से मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि हमें डिग्री में करना है। सो माइनस पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 6 18 और 60, ओके 6 5 30 सो 300, ये माइनस हो गया, -300 और डिग्री हो गया। फाइनल आंसर लिख दो, -5π/3 रेडियन इज इक्वल टू -300 degree। नेक्स्ट 5 रेडियन, 5 रेडियन को कैसे करोगे, 5 रेडियन को इससे मल्टीप्लाई करो 180/π, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 5 रेडियन इज इक्वल टू 5 × 180 900/π, कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे छोड़ दो, हो गया। बहुत ही आसान थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब क्वेश्चन, हमने थर्ड में किया। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में और सब क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4th है, क्या कहता है, 11/18π रेडियन, तो इसको डिग्री करने के लिए क्या करोगे, हमेशा की तरह इसको लिख दो, और डिग्री करने के लिए मैंने क्या बताया, 180/π, पाई नीचे रखना, ओके, और ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। पाई से पाई हो गया कैंसिल, 18 से इसको कैंसिल करोगे, 18 10 180, 11 10 कितना है, 110 degree, और ये क्या था, 11π/18 radian इज कन्वर्टेड इंटू 110 degrees। 5th वाला देखो, -1/4 radian है, रेडियन इसको डिग्री करना है तो 180/π से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डिग्री, कैंसिल करो, 4 1 4 4 4 16, फिर 2 8 24 5, सो फाइनली -1 × 45 अपॉन पाई नीचे ऐसे ही रहने दो, और ये क्या हो गया, डिग्री, ओके इस तरह से हो गया, -45/π degree। तो आप ऐसे लिख सकते हो, -1/4 radian इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो भी चलेगा, इस तरह से, ओके डिग्री, और फाइनल आंसर को बॉक्स कर दो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट। देखा आपने कितना आसान है, डिग्री करने के लिए 180/π से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आपको मिल जाएगा, कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन दिया है देखो, 183.7 डिग्री,
अब इसको ये डिग्री को देखो, पॉइंट होने की वजह से इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। छोटा पार्ट जो पॉइंट के बाद वाला है ना, ये मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, इज इक्वल टू 183 डिग्री और प्लस ये 0.7 को अलग कर दो, जो पॉइंट के बाद है उसको अलग करना। अब इसको मिनट करना है, देखो 183 डिग्री प्लस 0.7, इस डिग्री को मिनट करना है। मैंने आपको सिखाया था 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट्स, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। ये आपको याद रखना है कन्वर्जन फैक्टर। अब ये 183 डिग्री है ये तो ठीक है, अब प्लस ये 0.7 डिग्री है, 0.7 यहाँ जो है ना इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये डिग्री जो था वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.7 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा, बिकॉज 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो जितना भी डिग्री है उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, ये डेसिमल पॉइंट हमें हटाना है, याद रखो। तो क्या होगा, 6 7 42, और ये जीरो आएगा, और वन डिजिट पे पॉइंट 42.0 मतलब 42 आ जाएगा, और इतना मिनट आ गया। अब इन प्लस को हटा के लिखना चाहिए, 183 डिग्री 42 मिनट्स। किसका आंसर आया, 183.7 डिग्री इज इक्वल टू 183 डिग्री 42 मिनट्स। ओके, इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो, हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से करना है इसका यूज़ करके। आओ फोर्थ में सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो 245.33 डिग्री, इसको भी मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे, ये 245 डिग्री करो प्लस ये जो पॉइंट के बाद है 0.33 डिग्री ऐसे कर दो, इक्वल 245 डिग्री, ये तो डिग्री में है, इस डिग्री को मिनट करना है पॉइंट वाले नंबर को। तो 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना, 60 से मल्टीप्लाई करना, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। सो 245 डिग्री, अब ये करोगे तो प्लस 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये देखो 6 3 ज़ा, पहले तो 0, 6 3 ज़ा 18, 1, 6 3 ज़ा 18 1 19, ये, और यहाँ पर 1 2 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ पर आ गया 19.80, तो इसको हटा दिया, तो इतना क्या हो गया, मिनट्स। अब इसको भी स्प्लिट करो, 245 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 19 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट्स, इस तरह से देखो 245 डिग्री प्लस ये 19 मिनट्स है और 0.8 मिनट। अब इसको सेकंड करेंगे, कैसे करेंगे, 245 डिग्री ये 19 मिनट इसके साथ लिख दो, प्लस हटा दो, प्लस ये 0.8 मिनट, मिनट को सेकंड करना है, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 0.8 में फिर से 60 का मल्टीप्लाई करो, ये सेकंड हो जाएगा, डबल डैश मतलब सेकंड। सो 245 डिग्री 19 मिनट प्लस अभी 0.8 का मल्टीप्लाई, 8 6 48 48, और ये 0, फिर 1 डिजिट पे पॉइंट आएगा, यानी 48 बराबर, इतना ही आ गया। तो अब फाइनली क्या हो जाएगा, 245 डिग्री 19 मिनट और 48 सेकेंड, तो ये फाइनल आंसर आया। क्वेश्चन लिख के उसका वैल्यू इतना लिख के बॉक्स कर दो। तो इस तरह से किसी भी डिग्री वाले एंगल को हम डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए। चलो और एक क्वेश्चन है फोर्थ के अंदर, थर्ड वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थर्ड में, फोर्थ में थर्ड है, 1/5 रेडियन। देखो ये 1/5 है और रेडियन दिया हुआ है, और इसको क्या करना है, डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, पहले तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, 1/5 रेडियन को डिग्री में करते समय क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी सीखा था ना आपने वैसे, तो ये रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये कितना हो गया, देखो 5 से कट करोगे तो 5 3 ज़ा 15 और 3 35 6 ज़ा 36 1 36/π, इतना डिग्री आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 36/π डिग्री है, बट मुझे इसको मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है, बट उसके लिए डेसिमल पॉइंट में आना चाहिए था, ये तो अपॉन पाई में आया, तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू होती है, आपको पता है पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, तो यहाँ पर देखोगे 36/π, तो मैं यहाँ पर 36/ इस पाई की जगह मैं 3.14 लिख सकता हूँ या 22/7 लिख सकता हूँ। चलो मैं 22/7 करता हूँ, तो होगा क्या, अच्छा ये पूरा जो है डिग्री वैल्यू है 36, ये 22/7 उल्टा हो गया, 7/22 हो जाएगा डिग्रीज। ओके, इसको आप अगर कट करते हो तो 2 × 11 2 18, ओके इस तरह से आ गया 218, और अभी और करना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो 7 8 ज़ा 56, 5 आया, 7 1 ज़ा 7 5 126/11, ये आया, और ये क्या है डिग्री में आया। अब इसको 126 को डिवाइड करो किससे, 11 से,
तो क्या आ जाएगा, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11 तो 1 आया, 6, 11 वन ज़ा 11 5 आया, पॉइंट 0, 11 फोर ज़ा 44 6 आया, 0, 11 फाइव ज़ा 55 करते जाओ, हाँ 5, 0, 11 फोर ज़ा 44 अब ये आते जाएगा 6, 0, मतलब ये आते जाएगा, क्या आ रहा है 11.4545, ये क्या है, इतना डिग्री आया, अब अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। अगर यहाँ पर 3.14 लोगे तो पॉइंट के बाद थोड़ा सेम आएगा, फिर अलग भी आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप 22/7 ले सकते हो या 3.14। अब इसको आगे करो, देखो क्या आएगा, 11 डिग्री ओके प्लस 0.4545 डिग्री, इस तरह से, तो ये हो जाएगा 11 डिग्री प्लस, अब इसमें इस डिग्री को मिनट करना है, तो मिनट करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट। तो अब देखो यहाँ पर करते हैं, इसको मिटा दिया, 0.4545 × 60, तो ज़ीरो आने की वजह से सब ज़ीरो हो गया, 6, 30, 3, 27, 2, 32, 3, 27, ओके, तो यह 007272 और 1234 डिजिट पे पॉइंट, 1234, सो 27.27, कितना है 11 डिग्री और यहाँ पर प्लस 27.27 और ये मिनट आया, ये क्या है मिनट, इसको और कन्वर्ट करना है, 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.27 मिनट, ये 0.27 को अलग कर दिया, सो ये आ गया 11 डिग्री और 27 मिनट से एक साथ रखो। अब ये मिनट जो 0.27 है, वन मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करो तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या है देखो 0.27, 0.27 में 60 का मल्टीप्लाई करना, तो यह है 0 ओके 0 चलो ये अभी 6, 42 का 4 इस तरह से ओके, तो 0261 12 डिजिट पे, तो 16.2 आया, कितना आ रहा है 16.2, सो 11 डिग्री 27 मिनट्स प्लस 16.2 सेकेंड्स। अब इसको और छोटा नहीं कर सकते, फिर भी यहाँ डेसिमल आया, तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू लिखना, क्या लिखोगे अप्रॉक्स, 11 डिग्री 27 मिनट्स और ये 16.2 जो है 16.5 से कम है ना, तो सिर्फ 16 रखो, 16 सेकेंड, तो ये आपका फाइनल आंसर आया। देखो जो 1/5 रेडियन है उसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद पाई रह गया, तो पाई की जगह पर आप 22/7 या 3.14 रखो, 22/7 मैंने रख दिया तो ये सिंपली 11.4545 डिग्री आया। फिर इसको जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था उस तरह से स्प्लिट किया, 11 डिग्री प्लस 0.4545, इस डिग्री को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 27.27 आया, 27 आया, फिर इसको वापस से स्प्लिट करके 0.27 को सेकेंड में किया, जिससे ये आपको आया, बट इसमें वापस पॉइंट आया, तो इसको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने लिखा, यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसको फाइनली बॉक्स में कर दो। ये जो था ये पूरा रफ वर्क था, यहाँ से यहाँ तक ये टोटली रफ वर्क है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लो इसको। स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप पाई की जगह 22/7 मैंने लिया, 3.14 लेते हो तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा सब कुछ, लास्ट में ये जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये थोड़ा सा चेंज आ सकता है तो चलता है, क्योंकि ये जो है 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और 22/7 भी जो है इसको अगर 7 से 22 को कैंसिल कर दिया तो 3.142 ऐसे आता जाता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही आएगा, 3.14 लोगे तो ये दोनों तो सेम आएगा, ये थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, तो चलेगा, उसमें मार्क्स कटता नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ भी आई तो सेम है, डिपेंड करता है आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो। ओके, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपको बता दूँ, फोर्थ का ये जो थर्ड था यहाँ फिनिश हुआ, इस लेक्चर में आपने सीखा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इसके सारे सब क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको बता दूँ, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर इस तरह के दो मेजर के टाइप है जिसको हम कन्वर्ट करना सीखे हैं आज के लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं और जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो किस क्वाड्रेंट में कैसे प्लॉट करना, डायग्राम बना के हमने देखा था। अब आगे जो थियरी क्वेश्चन है जिसको आपको समझ के करना होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। स्टूडेंट हमारा जो ये चैप्टर चालू है 11th न्यू सिलेबस जो लास्ट ईयर आया था, चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड मेजरमेंट, इसका 1.1 ये थोड़ा सा लंबा है जिसमें मोस्ट ऑफ हमने कवर कर लिया है, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत सारे चैप्टर जो है मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ये चैप्टर जो है इसको आप अच्छे से सीखो, और आपको अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।